अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और होना भी चाहिए। देखिए मेरे पास एक छोटी सी कटिंग थी प्लांट की और जो है ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है प्लांट। और छोटी सी बॉटल में एक कटिंग मैंने लगाई थी तो अब देखिए इसमें इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी बॉटल में तो मैंने ऐसे ही लगा दी थी। और जो है अब ये ग्रोथ इसने ले ली है। इसकी कटिंग भी बहुत ईजी वे में लग जाती है। मेरे पास पिछले साल का है, फरवरी का प्लांट है तो इसको अब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। कुछ जो है इसकी कटिंग भी हम लेंगे और ऊपर से ये जो नोट्स हैं यहाँ पर से हम थोड़ा सा पिंच कर देते हैं जो पत्तियाँ निकलती हैं। और तो जो है ये देखिए थोड़ा बुशी भी होने लगा है और हमने ज़्यादा नहीं किया है कि जो है अभी हमें इसको रिपोर्ट करना था इस वजह से ज़्यादा नहीं किया है। और यहाँ से नोट एरिए से हम इसे कट करेंगे, इसकी कटिंग भी दो तीन लगाएंगे और इसे जो है एकदम प्लांट में लगा देंगे। बहुत ज़्यादा रूट भी नीचे तक नहीं गई हुई है, बस यहाँ पर आई हुई है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई, यानी कि जो है छोटे पॉट में भी चल जाएगा ये प्लांट। और इसके लिए बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे गर्मी में थोड़ा बचा लिया था तो बस ये चल गया। ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। कलर किस कलर का फ्लावर आएगा ये मुझे ध्यान से उतर गया। उस टाइम तो इसमें छोटा सा फ्लावर खिला हुआ था, एक ही ब्रांच थी, अब तो इसमें कई ब्रांच हो गई। नहीं कि कुछ नहीं कि एज इट इज़ छोड़ दिया था, बस इसका ध्यान रखते थे कि पानी वगैरह इसमें कम जाए। इसमें ये देखिए मोटी मोटी लीव्स होती हैं और लीव्स से भी ये अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो आज हमने कई दिन पहले भी लगाई हुई है लीव्स, तो अभी उसमें रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, दो दिन हो गया है। तो अब जिसमें से दो तीन हम बड़ी बड़ी ले लेंगे तो उसको भी लगा कर देखेंगे क्या रिज़ल्ट मिलता है और जो है इसकी कटिंग भी लगाएंगे। तो फिलहाल हम इसको जो है रिपोर्ट करते हैं और कट करते हैं। ये बुशी हो जाएगा, बहुत जल्दी लग भी जाता है, रूट डेवलप हो जाती है और इसको बहुत केयर की भी ज़रूरत नहीं है। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, पानी एकदम भी नहीं रुकना चाहिए, पानी भी कम इसको चाहिए और बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट बहुत हेल्दी बनता है, फ्लावर बहुत अच्छे होते। एक प्लांट से कई प्लांट भी आप बना सकते हैं। हम थोड़ा नोट एरिया से नीचे से ले रहे हैं तो इसकी कटिंग भी ज़रूरी है। कटिंग कर लेंगे तो और भी ब्रांचेस निकलने लगेगी। अब इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो गया है तो हम इसको लीव से भी करेंगे अलग पॉट में और जो है यहाँ पर ब्रांच भी इसकी हेल्दी थोड़ा मोटी ले लेते हैं। और ये साइड ब्रांच जो अभी निकलना शुरू हुई है तो वो थोड़ा इतनी नहीं है, ये है, इसमें जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ले लेंगे और इसमें ऊपर से आप पिंच कर दिया करें तो ये घना होगा और लीव्स निकलेगी। कटिंग भी करने से इजी वे में आसानी से जो है ये आपका बुशी प्लांट बनने लगेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी होगी। तो हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह से और जो मेरा प्लांट है ये रूट वाला तैयार है। तो इसको हमने रिपोर्ट करना है इसमें ताकि इसको अच्छी जगह मिले तो ये फैलेगा और न्यू न्यू बेबी प्लांट भी इसमें से डेवलप होंगे। इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, इस तरह से कटिंग लगा देंगे हम। इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाई हुई है और थोड़ी सी नीम फली पाउडर डाल दिया है। देखिए ये हमने इसमें जो है लगा दिया हुआ है और जो है ये फैल जाएगा, न्यू न्यू जो है शूट्स इसमें से निकलेगी और साइड से ब्रांचें भी निकलेंगी और ऊपर से भी ये विंटर तक यानी कि हमारा फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इससे बहुत सारे प्लांट बन जाते बहुत। ये मेरे पास था, आप लोगों के पास भी इसी तरह से प्लांट हो तो आप कर लीजिएगा। और ये मैं देखिए मैंने पॉट अपने घर में ही बनाए हुए, विंटर की हम तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे पॉट काफ़ी रहते हैं उसके लिए, तो उसके लिए भी मैंने ये इसी तरह से किया है। देखिए जो है इसको बस ऐसे ही लगा देना है, जैसे ये मैंने सॉइल तैयार की थी वैसे इसको भी तैयार करके रखी हुई है। आप लोग भी ऐसे ही तैयार कर लें और जो है लीव्स को भी हम साइड साइड लगा देंगे, देखेंगे कैसी रूटिंग होती है, कितने प्लांट बनते हैं और कटिंग से तो हो जाएंगे तैयार। और इसको भी लगा लेते हैं इस तरह से, आप लोग भी कर सकते हैं अच्छे से, एक प्लांट से कई प्लांट बना लेंगे तो अपने नेबर को भी दे सकते हैं। आप ज़्यादा हो जाए आपके पास और आप ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हैं तो एक ही प्लांट को बहुत सारे भी बनाकर लगा देंगे तो गार्डन में अच्छा लगता है, बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, भरा भरा सा ये भी लगने लगा और इसमें लीफ भी हम साइड साइड, देखिए इस तरह से जो है हमने इसको भी साइड में
दबा दिया है सॉइल के अंदर, तो आप ये इसको सहारा भी मिल गया पॉट का, ये खड़ी हो गई है लीव्स, और जो है इसके अंदर ऐसा कर दिया है। और इसे बहुत ज़्यादा पानी की भी नहीं है कि ये लीव हमारी गल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाले, बस हल्का मॉइस्चर बना रहे। और छोटी छोटी लीव्स हम नहीं लगाएंगे, बड़ी बड़ी लगाएंगे ताकि रूट आसानी से हो जाए। देखिए हमने चारों तरफ इसमें इसी तरह से, बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हमने सारी लगा दी है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है, कितनी तैयार होती है, कितनी हमको इसमें डेवलप होती है, रूट बनती है। और इस तरह इसमें हमने कटिंग लगा दी है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें, फुल वॉच करें, और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट्स कर दिया करें। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।